सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर की एक बहुत सरल साखी है। हम लोग उस पर थोड़ा विचार करें। सदगुरु कहते हैं, दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग, एका एकी राम सो की संतन के संग। दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी, इसलिए दुनिया से दोस्ती मत करो। तब क्या करें? अकेले बैठकर राम का चिंतन करो या संतों के साथ बैठकर ज्ञान की चर्चा करो। जीवन में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें करके हम शांति सुख से जी नहीं सकते, और जीवन में कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जिन्हें न करने से हम शांति से जी नहीं सकते। कुछ कर्म नकारात्मक होते हैं जिनका त्याग आवश्यक होता है, और कुछ कर्म सकारात्मक होते हैं जिन्हें करना आवश्यक होता है। यहाँ पहली पंक्ति में सदगुरु कबीर हमें यह बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना है। वे कहते हैं, दुनिया से दोस्ती मत करो, इससे भजन में बाधा पड़ेगी। वैसे दोस्ती तो आदमी को किसी न किसी से करनी पड़ती है। यहाँ दोस्ती का मतलब है मोह, राग। वैसे हर आदमी को अपना कुछ मित्र बनाकर रखना चाहिए, लेकिन वो मित्र कैसे होना चाहिए? जो हमें सही रास्ते की प्रेरणा दे सके और गलत रास्ते से हमें रोके। ऐसा मित्र न बनाए जो गलत काम करने की प्रेरणा दे, गलत चीज खाने पीने की प्रेरणा दे, किंतु ऐसा मित्र बनाए जो सही काम करने की प्रेरणा दे, सही मार्ग में चलने की प्रेरणा दे, सही दिशा में चलने की प्रेरणा दे। ऐसे लोगों को कहते हैं कल्याण मित्र। कल्याण मित्र वे हैं जो हमें कल्याण मार्ग में चलने की प्रेरणा देता है। कल्याण क्या है? शांति, सुख, प्रसन्नता। और संगति का इस पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहां साहब दोस्ती करने को रोकते हैं। दोस्ती से मतलब है मुंह। आदमी अकेला रह नहीं सकता है। कोई आदमी हो,
दुनिया में सर्वथा अकेला रह नहीं सकता है, उसे दूसरों के संग साथ की आवश्यकता होती है। और संग साथ की आवश्यकता होती है तो उनमें कुछ लोग अनुकूल होते हैं, कुछ लोग प्रतिकूल होते हैं। अनुकूलता के प्रति राग होता है, प्रतिकूल लोगों के प्रति द्वेष होता है, और दोनों हमारे दुख के कारण बन जाते हैं। हमें किसी के लिए द्वेष तो करना ही नहीं है, राग मोह भी नहीं करना है। हम भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, धर्म भक्ति का काम कर रहे हैं, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है हमारे मन से द्वेष भाव का विसर्जन, बैर भाव का विसर्जन। किसी के लिए हमारे मन में द्वेष है, बैर है, गुस्से की भावना है, तो हम और काम तो कर सकते हैं लेकिन भजन का काम नहीं कर सकते। भजन और बैर, भजन और लड़ाई झगड़ा, भजन और मारपीट, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। एक भजनानंदी आदमी, एक धार्मिक आदमी, एक पुजारी आदमी यदि लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, एक सत्संगी आदमी यदि गाली बक रहा है, तो और लोगों से हम क्या आशा करेंगे? फिर प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? इसलिए किसी से भी द्वेष नहीं करना, किसी से भी बैर विरोध नहीं करना है। किसी से बैर करने का मतलब है अपने आप से बैर करना। किसी से लड़ाई करने का मतलब है स्वयं अपनी शांति, अपने सुख को नष्ट कर देना। क्योंकि मैं किसी से लड़ाई करता हूं तो मेरे मन में शांति नहीं रह जाएगी। किसी से लड़ करके मेरा मन निर्मल नहीं रह जाएगा। व्यवहारिक जीवन में भी आप देखें तो व्यवहारिक जीवन में भी इधर बगैर हट जाओ, व्यवहारिक जीवन में भी जो आदमी लड़ाई झगड़ा करता है, मुकदमाबाजी करता है, मारपीट करता है, वो अपना व्यवहार का काम भी सही ढंग से नहीं कर सकता है। लड़ने झगड़ने में उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी, तब धर्म का काम कैसे होगा? धर्म का काम करने वाला तो सरल मन का होगा, शांत मन का होगा। लड़ने वाले का मन चंचल, विकारी, तो लड़ने वाला आदमी धार्मिक नहीं हो सकता है। और भले कुछ हो जाए, वह जो लड़ता है वह धर्म को समझता ही नहीं है, जो लड़ता है वह भजन को समझता ही नहीं है। धर्म और भजन का अर्थ ही है लड़ाई झगड़ा बंद हो जाना। कोई हमें गाली दे, उसकी मर्जी, हम उसको मना नहीं कर सकते। कोई हमसे लड़ाई करता है, उसकी मर्जी, हम उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमें गाली दे तो हम भी गाली दे दें।
कोई हमसे लड़ रहा है तो हम भी लड़ने लग जाए, यदि कोई हमें गाली दे रहा है और हम भी गाली दें तो उसमें और हम में फर्क कहाँ हुआ फिर। कोई हमसे लड़ाई कर रहा है, हम भी लड़ने लग जाएं तो उसमें और हम में फर्क कहाँ हुआ। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, वो तो वैसा ही हुआ, तू मति हो अयान, वह निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक मिशा। वो तो अनाड़ी आदमी, अज्ञानी, अज्ञानी है तब ऐसा गलत काम किया। अब वैसा गलत काम करके तुम भी उसके समान अज्ञानी क्यों मर रहे हो। इसलिए कोई हमसे लड़ता है, हमें गाली देता है, हमसे विरोध करता है तो उसके लिए भी हम अपने मन में कल्याण कामना रखें, इसका भला हो, इसका कल्याण हो। दूसरों की भलाई हम कर सकें या न कर सकें, भलाई की कामना तो कर सकते हैं ना। और जो आदमी भलाई की कामना भी नहीं कर सकता, समझा जा सकता है कि उस आदमी का मन कितना गंदा होगा, कितना बिगड़ा हुआ मन, फिर भजन को क्या समझेगा। यहाँ सद्गुरु कबीर कहते हैं, दुनिया से ती दोस्ती परत भजन में भंग, दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया से बैर करके भजन बहुत बढ़िया बन जाएगा, गलत। भजन करके आप लड़ाई करके खेती कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, यद्यपि उसमें कठिनाई आएगी, लेकिन भजन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अर्थ है सद्गुरु कबीर का कि मोह मत करो, सहज प्रेम का व्यवहार, समता का व्यवहार सबके लिए। जिस परिवार में आप रहते हैं तो परिवार वालों के लिए आपको जो करना चाहिए वो काम करें, उनकी जीवन रक्षा का काम करें, उनकी सेवा करें, उन्हें प्रेम दें, जो कर सकते हैं करें। लेकिन मोह करके क्या करेंगे, मोह करने से सेवा नहीं होती है, मोह करने से काम नहीं होता है। लोग कहते हैं कि मोह ना करें तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। मोह से परिवार का पालन पोषण थोड़े होता है, वो तो कर्तव्य से होता है, सेवा से होता है। तो जो आपका कर्तव्य है आप करते चलें, कर्म करने से आपको कौन रोकता है, सेवा करने से कौन रोकता है। बल्कि संत महात्मा तो ये कहते हैं कि आदमी को खूब डट करके कर्म करना चाहिए, खूब समर्पित होकर के सेवा करना चाहिए। और ये भी समझना होगा कि जो आदमी समर्पित होकर के सेवा नहीं कर सकता, अपने कर्तव्य का पालन समर्पित होकर नहीं कर सकता, वह आदमी ध्यान भी नहीं कर सकता, वह आदमी साधना भी नहीं कर सकता, वह आदमी भजन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन बिखरा हुआ है। जहां आप रहें, जो काम करते हैं समर्पित होकर डूब करके करें। जिस समय आप जो काम कर रहे हैं समझ लें कि इस समय मेरे लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, सब भूल जाए, केवल उसी काम में डूब जाए, छोटा सा छोटा काम क्यों ना हो। जो आदमी छोटे से छोटे काम को समर्पित होकर नहीं कर सकता, वह आदमी बड़े काम को समर्पित होकर कैसे करेगा। मन में भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना। जब सेवा की भावना होगी तो हर काम में समर्पण होगा, और जब हर काम में समर्पण होगा
तो भजन का, साधना का, पूजा का काम भी बढ़िया बनेगा। तो जहां आप हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, खूब डूब करके करें, लेकिन मोह ना करें। क्योंकि जहां मोह करेंगे वही मन फंसा रहेगा, और जब उसका वियोग होगा तो पीड़ा होगी। ये समझना होगा कि आजकल में हमारा संबंध दुनिया से सदा के लिए कट जाने वाला है। सबका संबंध कटेगा, धीरे धीरे वो समय आ रहा है। और ऐसा संबंध कटेगा कि फिर कभी याद भी नहीं होगी। क्षणिक दुनिया, इसमें कहीं मोह करके अपने को हम बेचे क्यों? काम करें, जहां रहें, जिनके बीच रहें, खूब समर्पित होकर सेवा करें, लेकिन ये भी सोचते रहें कि आज कल में इनका और मेरा संबंध सदा सदा के लिए छूटने वाला है। सोचे तो छूटेगा, न सोचे तो छूटेगा। कौन ऐसा संबंध है जो सदा सदा रहने वाला हो? पति पत्नी से गृहस्थी शुरुआत होती है। एक अपरिचित युवक, एक अपरिचित युवती, सगाई हुई, शादी हुई, दोनों जीवन भर के लिए, लेकिन समय आता है पत्नी चल देती है, समय आता है पति चल देता है। कोई किसी का रास्ता देखता है? प्रारब्ध है इसलिए संबंध है। अभी सांस रुक गई, बस संबंध खत्म। अभी हमारी सांस बंद हो जाए, क्या इस आश्रम का हमें ख्याल होगा? इलाहाबाद का या दुनिया का ख्याल होगा? संबंध सदा सदा के लिए कट जाएगा। तो ऐसे संसार में मोह करके अपने को पीड़ित क्यों करें? मोह करना अपने को पीड़ित करना है। सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि दुनिया से थी दोस्ती परत भजन में भंग। दुनिया से मोह करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी, इसलिए मोह मत करो, केवल सेवा करो। जिए इस तरह, सेवा इस तरह करें कि लगे सब मेरे हैं और मरे इस तरह कि लगे दुनिया में कोई मेरा नहीं है। आंख खोलें, लगे सब मेरे हैं, सब हमारे हैं, सबके लिए कोमल भावना, पूज्य भावना, आत्मीय भावना। और आंख बंद कर लें, लगे कि कोई मेरा नहीं, मैं अकेला। व्यवहार का काम बढ़िया बनेगा, परमार्थ का काम बढ़िया बनेगा। सदगुरु कहते हैं दुनिया से दोस्ती मत करो, दुनिया से मोह मत करो, कहीं अपने मन को जोड़ करके मत रखो, इससे भजन में बाधा पड़ेगी। मन को जोड़ना ही है तो अपने आप से जोड़ो, स्वयं से जोड़ लो। स्वयं से मन जोड़ लिए, बस आश्वस्त निर्भय। मृत्यु से हम क्यों डरते हैं? क्योंकि स्वयं से अपरिचित हैं। परिचित संसार लगता है कि मौत आएगी, तो जो कुछ मैं देख रहा हूं, जो जिनसे मेरा परिचय है, सबका संबंध सदा सदा के लिए कट जाएगा, बस इसीलिए भय होता है। अपने आप का परिचय हो जाए कि मेरा स्वरूप तो अजर अमर अविनाशी है, अखंड है, शुद्ध बुद्ध है, मेरा तो मुझसे कभी वियोग होगा नहीं, शरीर रहे तो अब ना रहे तो। अपने आप से परिचय हो जाने के बाद
भय खत्म, चिंता खत्म, शोक खत्म। लेकिन मन जुड़ा है दुनिया से तो अपने से जुड़े कैसे? साहब रोकते हैं, दुनिया से परिचय मत करो, दुनिया में मन को ना उलझाओ, मोह मत करो। करना क्या है? एकाएकी राम सो की संतन के संग, अकेले में बैठें और राम की संगत करें, मतलब आत्मचिंतन। आत्मचिंतन क्या है? आत्मचिंतन है ये सोचना कि मेरा स्वरूप शुद्ध है, बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है, अजर है, अमर है, अखंड है, मुझसे कभी मेरा कोई भी योग नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मुझसे मेरा वियोग करा दे, तब भय क्यों? अपने शुद्ध रूप का शरीर चिंतन, शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना है और एक दिन इन्हीं मिट्टी पानी आग हवा में मिल जाना है, क्या घाटा होगा हमारा? या फिर आत्मचिंतन, अकेले बैठे और बैठ करके सोचें कि मेरे में क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। गत वर्ष मुझ में जो जो कमियां थी, जो जो मन में विकार थे, दोष थे, आज भी वैसे के वैसे हैं या घटे हैं? दोष नहीं घट रहे हैं तो कहाँ मुझसे त्रुटि हो रही है, कहाँ कमजोरी, कहाँ मैं भूल कर रहा हूँ? सद्गुण नहीं बढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? सद्गुण कैसे बढ़े, दोष दुर्गुण मन के विकार कैसे दूर हो, इस पर गहराई से मनन चिंतन करें। हम मनन नहीं करते हैं, इसीलिए दोष ज्यों के त्यों बने रह जाते हैं, सद्गुण क्षेत्र में हमारा विकास नहीं होता। वही लोभ, वही मोह, वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही लालच, वही काम की भावना, क्यों? चिंतन नहीं कर रहे हैं, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, तूने रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। रात को सोने में व्यतीत कर दिए, दिन को खाने पीने में, खाने पीने धंधे में, अपने लिए मुड़ करके नहीं देख पाए, अनमोल हीरा जीवन कौड़ी के बदले में व्यतीत हो गया। तो इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, त्रुटि क्यों? सद्गुण क्यों नहीं बढ़ते, दोष क्यों नहीं घटते? क्या कभी बैठ करके इस पर चिंतन होता है? कहाँ होता है? सद्गुरु कबीर कहते हैं, अकेले बैठो और आत्मचिंतन करो, अपने स्वभाव की निरख परख करो, और दोष नहीं घट रहे हैं तो उसके लिए ग्लानी, और ग्लानी के साथ साथ दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। अब तक जो भूल हुई सो हुई, अब आगे ऐसी भूल नहीं करूंगा, अब आगे इन दोषों को नहीं दोहराऊंगा। संकल्प करने मात्र से तत्काल दोष दूर नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक लगेगा। रोज संकल्प करते जाए तो धीरे 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 उस पर प्रगति होगी। ऐसे ही सद्गुणों का आचरण के लिए संकल्प, इतने दिन हो गए भक्ति करते, इतने दिन हो गए सत्संग करते, इतने दिन हो गए पूजा करते, पाठ करते, न दया बढ़ी, न क्षमा बढ़ी, न संतोष बढ़ा, न धीरज बढ़ा, न सहनशीलता बढ़ी, अपने को धिक्कारने और
संकल्प करके सद्गुणों को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो जाए। जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? परिवर्तन इसलिए नहीं आ रहा है कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्वभाव परिवर्तन यही तो भजन है। एक भजन है आत्मचिंतन, स्वरूप का चिंतन, मन को शांत कर लेना, लेकिन वो तब होगा जब स्वभाव परिवर्तन होगा। और स्वभाव परिवर्तन का अर्थ क्या है? गलत का त्याग और सही का ग्रहण। आज तक हम बात बात में क्रोध करते थे, उलझते थे, झुंझलाते थे, और अब झुंझलाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, उबलना नहीं है, शांत रहना है। बस स्वभाव परिवर्तन हो गया। आज तक कंजूसी की भावना थी, लोभ की भावना, पैसे पैसे पकड़ते थे, पैसे के लिए गलत काम भी कर लेते थे, अब ऐसा नहीं करना है, अब लोगों की सेवा करना है, दिन दुखी हैं उनका सहयोग करना है, स्वभाव परिवर्तन हो गया। अब तक पराई बहन बेटियों को देख करके मन में विकार आ जाता था, लेकिन अब नारी मात्र को माँ की दृष्टि से देखना है, स्वभाव परिवर्तन हो गया। जब ये स्वभाव परिवर्तन हो गया तो समझ लो कि भजन हो रहा है। असली भजन यही है। इस भजन के बिना और कोई भजन काम नहीं आएगा। हमारा भजन बाहर बाहर चलता है, इसलिए बाहर बाहर चल रहा है और अंतर कोई नहीं आ रहा है। तो अकेले बैठे दूसरा हमारे बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, ये चिंता ना करें। हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन क्या गवाही दे रहा है, ये चिंता करें। हम होता क्या है, हमारे जीवन में कमी क्या है, हम धार्मिक दिखना चाहते हैं, पुजारी दिखना चाहते हैं, धार्मिक होना नहीं चाहते। दिखना होता है भीतर से, नहीं बाहर से, होना होता है भीतर से। माथे पर चंदन लगा लिए और माला पहन लिए, तिलक मन को लगाए हो कि नहीं लगाए हो? माथे पर तो तिलक लगा लिए, मन पर भी तिलक लगा नहीं लगा है? माथे पर चंदन लगा लिए और मन क्रोध में जल रहा है तो क्या करेगा चंदन? माथे पर चंदन लगाओ या ना लगाओ, ज्ञान का चंदन मन पर लगा ले, शीतल हो गया, बस काम बन गया, ये भजन हो जाएगा। तो एकाएक ही राम साहब को, तो अकेले बैठो और राम का चिंतन करो, आत्मविश्लेषण, आत्मशोधन करो, या कि संतन के संग, संतों के साथ बैठ करके ज्ञान चर्चा। किसी भी आदमी के जीवन में उत्थान का कोई कारण है तो साधु संगत। साधु जो साधना परायण है, सदाचारी है वो साधु। साधु का अर्थ होता है उत्तम, बढ़िया साधना करने वाला। हमारे जैसे कपड़े में है मात्र वो साधु नहीं है, आपके कपड़े में भी साधु हो सकता है। साधना है, साधना कर रहा है, स्वभाव बढ़िया है, मन बढ़िया है, संयम से जीवन जी रहा है तो साधु है। कपड़ा क्या करेगा? कपड़े का महत्व है, कपड़े खंडन नहीं करता, लेकिन हमारे जैसे कपड़ा पहन गए तब साधु होंगे ऐसा नहीं है। समय आने पर यह भी कपड़ा पहन लिया जाता है, लेकिन मन बढ़िया हो, कहीं भी बैठें तो ज्ञान की चर्चा करें, अच्छी चर्चा, गलत चर्चा से बचें। क्योंकि जैसी चर्चा हम करते हैं, जैसी चर्चा हम सुनते हैं, वैसा हमारा जीवन बनता चला जाता है। सोई कहंता सोई होगे, सदगुरु कबीर कहते हैं जैसा कहोगे और जैसा सुनोगे
वैसा हो जाओगे। इसलिए न तो गलत बात कहें और न गलत बात सुने। कोई आता है और गलत चर्चा कर रहा है तो कहो भैया अब रहने दो, अब कोई अच्छी चर्चा करो, उसे रोक दो। लेकिन हमारा मन अच्छी चर्चा सुनने में नहीं लगता है। कोई आया और ज्ञान की चर्चा करने लग गया, किसी की बड़ाई करने लग गया, हम कहे अरे रुक जाओ, जानते हम कैसे आदमी हैं, और बुराई करने लग जाए तब रात भर नींद नहीं आएगी बुराई सुनते सुनते। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए न तो किसी की बुराई करें और न किसी की बुराई सुने। अच्छी चर्चा सुने और अच्छी चर्चा करें। यहां सदगुरु कहते हैं संतों के साथ बैठो, ज्ञान चर्चा करो, कल्याण कैसे होगा, दुख दूर कैसे होगा, बंधन में हम क्यों पड़े हैं, बंधन कैसे बनते हैं, कैसे छूटेगा, इन बातों की चर्चा करें। कुल मिलाकर के जिससे जीवन को शांति से, आनंद से, प्रसन्नता से जी सकें, उसकी चर्चा सुन लें, बस काम बन गया। तो सदगुरु कबीर की एक सरल साखी पर थोड़ी चर्चा मैंने की, दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग, एका एकी राम सो की संतन के संग। सदगुरु कहते हैं दुनिया से मोह मत करो, दुनिया की सेवा करो, दुनिया सेवा करने की जगह है, मोह करने की जगह नहीं है। दुनिया से जो भी पार हुआ है सेवा करके ही पार हुआ है, मोह करके पार नहीं हुआ है। बिना सेवा के चित निर्मल नहीं हो सकता है, बिना सेवा के मन का अहंकार टूट नहीं सकता है। इसलिए सेवा तो करें, दुनिया कर्तव्य करने और सेवा करने की जगह है, कर्तव्य करो सेवा करो, लेकिन मोह किसी से मत करो। अकेले बैठ करके आत्मचिंतन आत्मशोधन करें या संतों के साथ बैठकर ज्ञान की चर्चा करें, इसी में कल्याण है, इसी में शांति है, और इसी से हमारा जीवन सार्थक हो सकेगा। इन्हीं वचनों के साथ इस समय अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।